यदि आप ग्रेड फर्स्ट के लिए एलिजिबल हैं, सेकंड ग्रेड और ग्रेड फर्स्ट, ये दोनों की वैकेंसियां आपके सामने कभी भी आ सकती हैं, मतलब ये आएंगी डेफिनेटली सबसे पहले, ठीक है। यदि आपका एमए कंप्लीट हो चुका है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, आपका सब्जेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपने जीके का एनालिसिस किया शॉर्ट एनालिसिस के आधार पे कि आपके जीके के पेपर में आपके मैथ है, स्कूल मैनेजमेंट है, साइकोलॉजी है, जो भी पूरा का पूरा पार्ट है, इतिहास क्लास संस्कृति, इंडियन हिस्ट्री भी आपको पढ़नी है, आप इसका एनालिसिस का प्रयोग करते हुए समझिए कि क्या मैं ग्रेड फर्स्ट में बहुत अच्छा कर सकता हूँ, मेरा सब्जेक्ट यहाँ तक कहाँ तक स्ट्रॉन्ग है। यदि आपकी एमए कंप्लीट है, आपका सब्जेक्ट ठीक ठाक है, नहीं है तो आप कर सकते हो। सबसे बड़ी चीज है, कोई ठीक होती नहीं है, कोई चीज आपकी कमजोर है तो इसका मतलब ही नहीं कि उसको मजबूत नहीं बना सकते। यदि तुम्हारे अंदर डिटर्मिनेशन है, तुम्हारे अंदर एक डिसिप्लिन है, तुम्हारी एक बहुत अच्छी व्यवस्थित दिनचर्या है, तो तुम हर चीज को बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हो। लेकिन ये विश्वास कम से कम पहले अपने अंदर जागृत करना पड़ेगा। धीर सिंह सर के कहने से, किसी और टीचर के बताने से विश्वास जागृत नहीं होता है, और ना किसी टीचर के कहने से आपको ये डिसाइड करना चाहिए कि मेरे लिए बेटर क्या है। आप अपने आप से पूछिए कि आपके लिए बेटर क्या है, स्ट्रेंथ आपकी ताकत क्या है, आपकी वीकनेस क्या, आपकी कमजोरियां क्या है, क्या उन वीकनेस को आप दूर कर सकते हैं, फिलहाल की अपॉर्चुनिटी क्या है। तो फिलहाल की अपॉर्चुनिटी मैंने बताया कि यदि ग्रेड सेकंड ग्रेड फर्स्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, तो बिना सोचे समझे किसी एक को चुनिए, किसी एक को चुनिए और बेहतरीन तरीके से लग जाइए।